नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर आप सभी का इस नए मोटो व्लॉग में। एंड मेरे टॉप स्पीड के दीवानों, मैं आज भी इस मोटो व्लॉग में आपको टॉप स्पीड का वीडियो नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ किया है प्लान। हम अभी लेने वाले हैं एक नई बाइक की डिलीवरी बहुत जल्दी, जिसका नाम है R15। तब तक आप ये खूबसूरत विजुअल्स को एंजॉय करिए, क्योंकि यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये शहर से, शहर की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा सुकून देती है ये चीज़ें, क्योंकि शहर में मिलता है बहुत सारा ट्रैफिक। सो मैं मुद्दे से भटक गया था। सब्जेक्ट ऑफ द वीडियो इज़ कि हम बहुत जल्दी लेने वाले हैं एक नई बाइक की डिलीवरी, जिसका नाम होगा R15। सो R15 एंड ये दोनों मैं, होता है दोस्तों BIC में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में एक इवेंट होता है हर साल, एवरी ईयर। सो मैंने लास्ट ईयर वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था विद माय होंडा सिविक, जो कि मॉडिफाइड है थोड़ी सी, मतलब परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया हुआ है उसे मैंने। लेकिन इस बार मेरा प्लान है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं लेके जाऊँगा हंटर एंड R15 दोनों। सो इवेंट से पहले क्या चीज़ें होंगी वो बता देता हूँ आपको मैं। इवेंट से पहले इसके अंदर दो चीज़ें और मैं ऐड कर लूँगा। फर्स्ट जो है वो है इरिडियम किट, दूसरा जो है BMC का एयर फिल्टर, एंड एक और एक मेजर परफॉर्मेंस मोड इसका रह जाएगा, वो होगा पावरट्रॉनिक, जो कि मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा जब मेरी नॉर्थ इंडिया राइड कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद, ना कि नॉर्थ इंडिया राइड से पहले, क्योंकि वो जो है ना दोस्तों, पावरट्रॉनिक का कॉस्ट मेरे को पड़ेगा मिनिमम 20-22,000 रुपीज़। एंड पावरट्रॉनिक मैं नहीं चाहता कि नॉर्थ इंडिया राइड में, क्योंकि अभी मेरी बाइक प्रॉपरली सेट है एकदम। सो वो जो चीज़ है उसको बाइक के साथ सेट होने के लिए लगेगा टाइम। 1st of March से मेरी राइड स्टार्ट होगी नॉर्थ इंडिया राइड, एंड अभी ऑलरेडी फरवरी में है, हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो मेरे पास एक ही महीना है जिसमें मेरे को और बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप जो है इसको कंप्लीट करना है, एक एक्शन कैमरा भी अच्छा लेना है, और मैं सोच रहा हूँ Insta360 भी ले लूँ, जिससे कि, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ें, अच्छे शॉट्स होंगे वो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। और बाकी इधर आप व्यू देखिए मेरे साइड में, कितना शानदार व्यू है ये, एंड आई होप यू ऑल आर इन्जॉइंग दिस व्यू। तो अपना जो चीज़ें हैं दोस्तों, चाहे वो पावरट्रॉनिक है, नॉर्थ इंडिया राइड है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? एकमात्र प्लेटफॉर्म, अपना यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है BikeBone21। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। तो इफ़ यू लव बाइक्स देन प्लीज़ सब्सक्राइब BikeBone, क्योंकि मैं आपको, अभी मेरे को यार चैनल बनाए हुए कितना टाइम हुआ है, मैंने नवंबर में फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, नवंबर के लास्ट में, एंड अभी हम लोगों की जो फैमिली है, या हम लोगों का जो ग्रुप है, या हम लोगों की जो टीम है, टीम BikeBone21, वो अप्रॉक्स, हम लोग अप्रॉक्स 3500 मेंबर्स की टीम हमारी हो चुकी है। तो है क्या कि आप देखे सेकेंड गियर में 80, ओके, अभी दोस्तों अभी मैं हूँ 6th map पे, क्योंकि मेरे लिए माइलेज भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज माई फादर डोंट हैव एनी फ्यूल पम्प्स, सो दैट्स वाई माइलेज मेरे लिए ज़रूरी है। तो मैं 6th map पे हूँ, एंड 6th map में भी ये जो है 3rd gear में 100 से थोड़ा सा, जो ये 100 का ये बीच वाला होता है, इससे थोड़ा सा इधर, यानी कि राइट हैंड साइड पे जा रही है, एंड 4th gear में 120 जाती है। तो बाइक जस्ट फिनोमिनल परफॉर्म कर रही है, मैं बता ही नहीं सकता आपको कि परफॉर्मेंस में तो क्या ही मज़े आ रहे हैं मेरे को। बस है क्या ना,
चीज सिर्फ इतनी है कि बस तकलीफ दोस्तों कहीं कई बार क्या होती है कहीं कहीं कि आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ भी अपलोड करते हैं तो आपको अप्रिशिएट करने वाले भी बहुत हैं, साथ ही क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत हैं, साथ ही ऐसे लोग भी बहुत हैं यार जो कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी तो कि यार हमारे देश में सभ्यता संस्कार अपब्रिंगिंग जैसी कोई चीज़ें बची भी हैं या नहीं। बची तो है, डेफिनेटली बची हैं, क्योंकि जो लोग अप्रिशिएट करते हैं अच्छे से बोलते हैं वो लोग भी तो है ना भाई। कुछ लोगों की विचारधारा मानसिक स्थिति तो इतनी खराब हो गई है कि भाई वो कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें सोचते भी नहीं है यार बोलने से पहले। पर चलिए छोड़िए, नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देने से क्या ही फ़ायदा होगा। नेगेटिव चीज़ों पर अगर मैं ध्यान दूंगा तो वो मेरे को कहीं ना कहीं पीछे ही खींचेंगी। और मेरा पर्पज़ इस चैनल को लेके बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आई वॉन्ट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, आई वॉन्ट अर्निंग्स, आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स। नो, माई लाइफ इज़ मैं क्या ही बताऊँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे मोड में कट रही है, बहुत अच्छे नोट पर चल रही है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मैं इंजॉय करूँ। और वो जो इन्जॉयमेंट का प्रोसेस है अपने ऑटोमोबाइल लव के साथ, वो रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखाऊंगा। एंड देखिए कितना अच्छा व्यू है साइड में, पहाड़ एंड मौसम, आज धूप भी निकली है, सर्दी भी कम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों से मेरा मतलब है मैं एंड मेरी बसंती। यार भाइयों एक बार बताओ, क्या अपने को अपनी बाइक का कोई नाम वगैरह, कुछ नामकरण, कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए क्या? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, साथ में अपना नाम भी सजेस्ट करिएगा। एक ज्ञान छोटा सा और देना चाहता हूँ एक छोटा सा ज्ञान देना चाहता हूँ कि जब भी आप इस तरीके के जंगल वाले एरिया से निकलें एंड आपके पास में एक लाउड बाइक है या फिर आपके पास में एक लाउड कार है या कार में म्यूज़िक आपने बजाया हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा कम कर लें। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप कम कर लेंगे ना वो वॉल्यूम, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जो जानवर रहते हैं, जैसे इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, बंदरों की जनसंख्या बहुत है इस लेफ्ट हैंड साइड पर, ये पूरा जो है जंगली जंगल है। एंड और भी अलग अलग प्रजाति के जंगली जानवर हैं, तो जब आप हॉर्न बजाते हैं, आप लाउड बाइक लेके निकलते हैं एक्सलेट करते हुए, आप लाउड म्यूज़िक बजाते हुए निकलते हैं, तो होता क्या है कि उनको समस्या होती है। तो प्लीज़ आप जानवरों का ख़ास ख्याल रखें। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पहले बहुत घना जंगल था, एंड अभी तो आप देखिए मतलब जंगल धीरे धीरे ख़त्म ही होते जा रहा है। माय गॉड, रेलवे फाटक खुला हुआ है दोस्तों। ये फाटक मेरे को बहुत लंबे समय बाद आज खुला हुआ मिला है, वरना पता नहीं क्या समस्या है, जब भी मैं आता हूँ ये बंद ही रहता है। बाकी मेरा आने का इस तरफ चक्कर भी कम ही लगता है, बट फिर भी आज खुला हुआ देख के बड़ी खुशी हुई। आज दोस्तों घर से मेरे निकलने के पीछे का रीज़न था हेयर कट, यानी कि ग्रूमिंग। कल दोस्तों एक हमारे कज़न हैं, उनका लगन रिश्ते का प्रोग्राम है, तो मैं घर से ये विचार बना के निकला हूँ कि हमें हेयर कट करवा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाला जो हेयर स्टाइल है उससे हमारी माताजी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। सो दैट्स व्हाई मेरे को हेयर कट करवा लेना चाहिए।